भगवान बुद्ध ने गुड़ खाने का नियम क्यों जारी रखा? उस समय गुड़ होता था, गुड़ बनता भी था। ये कहानी जो भैसज्य खंडक है, जो भैसज्य वाला खंड है, यानी उसका जो वर्ग है, उसमें महावग के अंदर है, वहां से ये कहानी है। एक बार कंखा रेवत जो भिक्कू थेर थे, वो अपने जो साथ हैं लोगों के साथ में जा रहे थे और सावित्री से राजगीर जा रहे थे। तो सावित्री से राजगीर काफी दूर है, रास्ते में बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं, बीच बीच में रुक रुक कर पैदल आना जाना होता था अपने संघ के साथ में, अपनी परिषद के साथ में। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में गुड़ बना रहे हैं कुछ तस्सक, कुछ किसान गुड़ बना रहे हैं। तो गुड़ तब गन्ने से या किसी और चीज से जो बनता था, जिसमें ग्लूकोज होती हो, शक्करा होती हो, तो वो उसको गर्म करके आज ही की तरह जैसे आजकल गुड़ बनता है ऐसे बना रहे थे। तो देख रहे थे कि उसमें वो आटा भी मिला रहे हैं और राख भी मिला रहे हैं। बैठे होंगे आराम से, सारा संघ बैठा होगा जहां गुड़ बनना होगा, क्योंकि यात्रा पैदल होती थी तो थक जाते थे। तो उन्होंने पूरा ध्यान से देखा कि इसमें गुड़ बनाने वालों ने आटा भी डाला और राख भी डाली। ऐसा देखकर उन्होंने थोड़ा संशय हो गया उनको कि ये तो गुड़ खाने लायक नहीं है, ये तो अन्न युक्त है। अन्न का मतलब है कि इसमें दाने, इसमें चावल या इसमें भोजन पड़ा हुआ है, उसको वो अन्न मानते थे, अन्न बोलते हैं पाली के अंदर। इसमें अन्न युक्त है और ये अविहित है। अविहित का मतलब होता है कि उस तरह से कभी ना खाया जाने वाला, क्योंकि दोपहर बाद में खाना अलाउ नहीं है, अन्न अलाउ नहीं है। उसको जो बोलते हैं वो अकाल भोजन बोलते हैं, यानी कि अकाल भोजन से व्रत रहना, ये भिक्कू का नियम है कि भिक्कू अगर सन लाइट बिल्कुल ऊपर होता है, सन सर के ऊपर होता है, तो उसके बाद भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते। हाँ, शाम को वो थोड़ा सा गुड़ जरूर लेते हैं ताकि उनका शाम का दिन पूरा कट जाए, तो इसलिए वो गुड़ खाते थे। मगर जब उन्होंने देखा कि गुड़ में तो अन्न पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अब इसे नहीं खाएंगे। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि आज के बाद में ना तो उनकी परिषद, ना उनके शिष्य, ना वो खुद गुड़ नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें अन्न पड़ा हुआ है और इसमें ये खाने लायक नहीं है। ये बात भगवान बुद्ध के पास आई कि उन्होंने अपनी परिषद को और खुद को गुड़ खाना बंद कर दिया है और वो गुड़ भी नहीं खाते। तो भगवान बुद्ध ने पूरे भिक्खु संघ की परिषद में पूछा कि गुड़ के अंदर आटा और राख क्यों डाली जाती है। तो उन्होंने कहा भिक्खु संघ ने कि गुड़ को बांधने के लिए डाली जाती है। तो भगवान ने कहा कि जब वो गुड़ को बांधने के लिए डाली जाती है तो फिर तो वो गुड़ का हिस्सा हो गई। तो भिक्खु संघ ने कहा कि हाँ, वो गुड़ का हिस्सा हो गई, तो वो गुड़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अलाउ करता हूं आपको, आपको अनुमति देता हूं कि आप गुड़ को खा सकते हैं दोपहर बाद में, यानी दोपहर बाद में जो अल्पाहार लेते हैं भिक्खु, उसमें खा सकते हैं, ये अन्न नहीं है, ये भोजन नहीं है। तो यहां उन्होंने फिर गुड़ को अलाउ किया। गुड़ उस समय बनता था, इसको गुड़ को ना आधा ले और डे करके बोलते हैं, गुड़ बाद में बना है, इसको गुड़ गुड़ करके बोलते हैं, गुड़ जैसे सोडा होता है ऐसे गुड़ होता है। तो एक बात ध्यान देने की यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध किसी भी नियम के प्रति बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, अंधभक्त नहीं है, वाइजली यानी प्रज्ञा के साथ, समझ के साथ में वो लेते हैं। क्योंकि जो पर्यति होती है, पर्यति क्या होती है, जो सिद्धांत होता है, जो मेमोराइज किया होता है वो, और जो पटिपत्ति होती है, पटिपत्ति का मतलब है अप्लाइड, जो लागू किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उसमें वो अंतर को समझते थे कि जो भिक्खु है उसको 12 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है जो भारी खाना है, क्योंकि विपस्सना नहीं करेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है, मोटा हो जाएगा, और उसे अल्पाहार की भी आवश्यकता है, तो इतना चाहिए कि जो रात को उसको नींद आ जाए, कभी भूख के मारे नींद भी ना आए। तो उन्होंने गुड़ खाने का या नींबू पानी पीने का या जो नारियल पानी पीने का, अगर वहां अवेलेबल है, तो ये नियम उन्होंने बनाए थे जो छोटे से अल्पाहार के हैं। लोग लेते थे तो गुड़ लेते थे क्योंकि गुड़ ही ज्यादा अवेलेबल था। तो गुड़ में अन्न देख के जो कंखा रेवत थे वो तो हार्ड एंड फास्ट हो गए, उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो अन्न है, हम तो खाएंगे नहीं। वो तो पूरी तरह से सख्त हो गए कि नहीं, नियम बताया, अन्न नहीं खाएंगे। मगर भगवान बुद्ध नियमों के प्रति सख्त नहीं है, वो ये देखते हैं कि नियम बनाया किस लिए है। नियम इसलिए बनाया है कि खाना कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। आटा और राख अगर उसमें नहीं मिलाएंगे तो गुड़ बनेगा नहीं, गुड़ बनेगा नहीं तो गुड़ आएगा नहीं, तो खाएंगे कैसे। तो आटा इसलिए नहीं मना किया था कि आटा खाना या एक भी अन्न का दाना आएगा तो वो हमारा कहीं कुछ भंग हो जाएगा। अगर भिक्खु दोपहर बाद में अन्न खा भी लेता है तो उसका अर्हत पद या सोता पद या सोता पदीपन या जो वो सर्दागामी है या जो वो भिक्खु है, वही वो कोई भंग होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो बीमार है तो खा सकता है, अगर सुबह से उसने कुछ नहीं खाया तो जो मिलेगा खा सकता है।
नियम ये सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए है, धर्म को सख्त करके तोड़ने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं है। लोग इतने ज्यादा धर्म भीरु हो गए कि वो एक एक शब्द को, एक एक शब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है। वही कंखा रेवत ने किया। कंखा रेवत ने कहा कि इसमें अन्न पड़ा है तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि अन्न के लिए मना किया है। तो भगवान कहते हैं कि अन्न के लिए मना नहीं किया है, मना किया है ज्यादा भोजन करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, मोटे हो जाएंगे, इसलिए मना किया है। गुड़ खाने के लिए अलाउ किया है ताकि आपका जीवन चलता रहे। अगर इसमें थोड़ा आटा मिला हुआ है तो ये अन्न नहीं होता है, ये गुड़ की प्रक्रिया है, इसमें बनाना है। तो ये बात सबको वहां समझाई और उन्होंने सारा निर्णय जो लिया वो भिक्खु संघ के द्वारा लिया है, भिक्खु संघ के साथ में, क्योंकि वो खुद भी एक भिक्खु हैं, वो उस डिसीजन में शामिल हैं। इसलिए चूंकि वो सबकी सभा को सभापति के रूप में देख रहे हैं, मगर निर्णय जो आता है वो सभा से आता है, संघ से आता है। भगवान बुद्ध ने सारे नियम सभा में ही लिए हैं। बहुत सारे नियम हैं जो विनय में आते हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूं और बताऊंगा। और भी लोगों से निवेदन है कि विनय को पढ़ें, विनय की किताब खरीदें और छोटी छोटी वीडियो बनाएं, लोगों को लाभ पहुंचाएं। बड़े अच्छे नियम हैं संगठन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.